यहाँ से काम चला है लगातार, अभी कार्य प्रगति पे है। अब ट्रकों के ट्रक यहाँ यहीं से ही खाली किए जा रहे हैं दूसरी साइड के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया ही होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 8-9 दिन से NH5 जो है, विथ जो रोड है बंद है, उसको देखने आए थे हम यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे गाड़ी वगैरह यहीं पे लगे हैं, बहुत सारे, बहुत दिन से ये यहीं पे है। ये गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से यहीं पे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, और यहाँ रोड में ही टेंट वगैरह लगा के रखे हैं। यहाँ से आगे जो ये रोड कटा है, इसके हाल चाल कुछ इस तरह से है। तो ये जो स्लाइडिंग हुआ है, यहाँ से काम चला है लगातार, अभी कार्य प्रगति पे है, 2-4 दिन में ये हो ही जाएगा शायद से। ये मशीन वगैरह भी इस साइड से लगी हुई है, दोनों साइड से, हर डिपार्टमेंट है यहाँ पे लगातार दिन रात काम कर रही है। दोस्तों अगर दोस्तों आप भी रामपुर से पीओ या फिर ऊपर लाहौल स्पीति की तरफ, नाको की तरफ जा रहे हैं, या फिर यहाँ से नीचे रामपुर की तरफ, शिमला की तरफ जा रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे हाल है, किस तरह से टाइम लग रहा है ना, आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है यहाँ से पार तक जाने के लिए। गाइस ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से ये रास्ता है ऊपर जाने का, और वहाँ ओके क्रॉस होके वहाँ पार रोड है, वहाँ से दूसरे साइड को जा रहे हैं। और गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी चट्टान यहाँ से नीचे आई थी और पूरा रोड ही यहाँ से नीचे अपने साथ ही ले गया था। और ये रास्ते आप देख सकते हैं, थोड़ा मुश्किल तो है बट उतना ये भी नहीं, और यहाँ पे आपको लेबर भी आसानी से मिल जाएगी, 300-400 में भी उठाने का लेती है वो एक बैग। और अगर आप रामपुर की तरफ आ रहे हैं तो आपको इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये होमगार्ड के जवान यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और दोस्तों जो लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि ऊपर रोड के क्या हाल है, उन लोगों के लिए भी वीडियो बनाया है मैंने। अगर दोस्तों आप वहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू भी चलते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट आधा घंटा लगेगा, अगर आप रुक रुक के चलते हैं तो 50 मिनट लगेंगे आपको यहाँ पे पहुँचने को। और देखो दोस्तों यहाँ से हुआ है ये स्लाइड जहाँ आपको दिख रहा है, जूम करके दिखाया मैंने। और दोस्तों यहाँ तक चढ़ने के बाद आपको ये रोड दिख रहा होगा, ये है त्रंडा गांव का रोड। और इस रोड में पहुँच के आपको मिल जाएगी गाड़ी या लिफ्ट मिल जाएगी, यहाँ से आपको निगुलसरी ले जाएगी, और निगुलसरी में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस का, या फिर आप टैक्सी भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह की कैंपर मिलेगी आपको यहाँ से। 1 hour later गाइस, सामान ढोने के लिए यहाँ पे स्पैन का उपयोग हो रहा है आजकल, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोड भी किया है इसमें, बिना रोड के ऐसे ही हो रहा है। तो आप ट्रकों के ट्रक यहाँ यहीं से ही खाली किए जा रहे हैं दूसरी साइड के लिए। गाइस HRTC की ये बसेस देख सकते हैं जो यहीं पे है पिछले 8-10 दिन से, और वहाँ पे गाड़ियाँ देख सकते हैं आप कहाँ तक लगी हुई है, बहुत ही मुश्किल का ये दौर है गाइस। आई होप जल्दी ही ये सड़क खुल जाए 2-4 दिन में ही। टेप वगैरह भी यहाँ पे लोड कर करके ऐसे ही है यहाँ पे, नड्डा बस रामपुर पहुँच ही नहीं पाई है 9 दिन से। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से वापिस, अपने साथ है यहाँ रिशु भाई, तो हम आए थे पारुल को छोड़ने। और ये बस जो है गाइस सवारियां ला रहे हैं और वहां तक ही छोड़ रहे हैं सवारियों को, उसके बाद सवारियों को फिर थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है पैदल, उसके बाद दूसरी साइड गाड़ी ले जाएगी उनको, तब जाके रामपुर में पहुंचेंगे। गई अगर बंदे ने रामपुर में 11 बजे पहुंचना है तो उसको सुबह 6 बजे निकलना ही पड़ेगा यहाँ से, मतलब बाबा नगर से।
पीओ से आ रहे हैं तो आपको 4 बजे ही आना पड़ेगा, अगर आपने 11 बजे रामपुर में पहुंचना है। बाकी रामपुर से भी आप अपनी हिसाबी ली लगा दो। बाबा नगर है दोस्तों, यहाँ से 5 किलोमीटर मात्र। कल रात को बारिश हुई है, यहाँ पे भी स्लाइडिंग हुई है। यहाँ से भी बहुत सारे पत्थर जैसे आके रखे हुआ है। पीडब्ल्यूडी का ये ट्रक है, पीडब्ल्यूडी प्रशासन वालों का ये ट्रक है। बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग भी, सुबह सुबह काम के लिए ही आए। जब से ये ब्लॉक हुआ है तब से लेकर कंटिन्यू चलाए। और पता है बात क्या हो रही है कि कल खुल जाएगा, 2 दिन में खुल जाएगा, 2 दिन बोल के आज 9 या 10 दिन हो गए हैं। क्या करेंगे इन लोग भी, खतरा तो इन लोग को भी है। ए गाइस, बावन अगर और ऋषि भाई ने तो यहाँ वहाँ से यहाँ मैं भी 10-15 मिनट में ही पहुँचा दिया, क्योंकि सुबह सुबह बोल रहे हैं कि मोशन बना होता है वाली बात। और ये इसी के साथ पहुँच गए बावन अगर। ओके, BS6 का जो इंजन है उसको जितना अच्छे से चलाया, फिल्टर साफ होते हैं और अब यहाँ पे उतरते हैं और रूम पे हो जाते हैं फ्रेश। ठीक है ऋषि भाई, बाय दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको मेरी दी जानकारी जरूर से पसंद आई होगी। चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।